ये देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा, मतलब इतने पे इसके नीचे धूल है और इसके ऊपर साफ, हट गया ना। हाँ पूरी इधर है, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी मैं जस्ट नहा के मतलब नहाया, अपने कपड़े वगैरह धुले मैंने, और ये आंधी आ गई और इधर से एकदम मतलब एकदम बस लास्ट में सीन ले भी यहाँ गई। यहाँ पे धूल थी बहुत बिकट, अभी पूरी धूल गायब हो गई, उसमें जो भारी भारी वाली राख निकलती है ना, वो सब इधर पीछे डाल दी जाती है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे खाली है खेत तो वहाँ पर वो डाल दिया थी, उस कारण से वो वहाँ से उड़ के आ रही है यहाँ से। मतलब अब इसको आप डायरेक्ट विजुअली देख सकते हो कि ये राख कितने में उड़ के जा रही है इधर से, सबसे डार्क दिखता है। मतलब इधर पे हवा ही नहीं चल रही है, हम लोगों के घर वगैरह इधर के बच ही गए आसपास, उधर से आंधी निकल गई, इधर से आंधी निकल गई, हम लोग सेफ बच गए, क्योंकि इधर पे पीछे साइड में बड़े बड़े से पेड़ हैं, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स है लोगों की, तो इधर पे हवा आई नहीं बिल्कुल। वैसे वैक्यूम नहीं क्रिएट हो जाता है, तो वैसा वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया और बस आंधी से हम लोग बच गए। लेकिन यहाँ धूल धक्कड़ वगैरह उतना ही, हल्की हल्की बारिश भी हो रही, और वो छाता देखो उस वाली छत पे एक छाता उड़ रहा है, भम पलट गया मतलब छाता। पीछे एक बच्चा देख रहे इधर से चला आ रहा है, इसी कलर की टी शर्ट पहने हुए, उसको टोनी दौड़ा रहा था। कुत्तों को देख के भाई जो भागेगा उसको तो कुत्ते दौड़ा ही लेंगे, वो कॉम्पिटिशन रेस नहीं करते हैं तो खेलने के चक्कर में दौड़ा लेते हैं, हो जाता है कभी कभी। बारिश वारिश हो रही है थोड़ी बहुत, ये जो टीन पड़ी है ना भाई साहब, इतना भयानक गर्म होती है, इतना ज्यादा मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना दोपहर में की, और रात में मस्त ठंडी भी होती है, क्योंकि मतलब टेम्परेचर प्रूफ जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे ये कच्ची छत है मेरी, मतलब पूरे घर की कच्ची छत है, वो भी कच्ची थी, अब वो हो गई है ऐसे टीन वाली, तो अभी तक ये भी कच्ची छत थी, तो इसमें ना मतलब इसमें ऊपर चाहे गर्मी हो या ठंडी हो टेम्परेचर प्रूफ रहती है, जैसा नीचे का टेम्परेचर बनाया जाए वैसा टेम्परेचर, गर्मियों में नीचे ठंडक रहती है और जब सर्दी हो जाती है तो नीचे आग जला लो तो नीचे का पूरा गर्म रहता है। यहाँ से टेम्परेचर मतलब अब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता है कि यहाँ से इन्वायरमेंट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे है तो ऊपर गर्म है तो नीचे भी वो गर्म हो जाता है, नीचे की हवा गर्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी धूल शांत हो गई, बहुत सारा मतलब भारी भारी सा पानी गिरा है ना, बूंदे काफी गिर गई तो धूल वगैरह तो गैस पे देखो एक काले कलर की दिख रही होगी, ये होती है राख, जो धुएं का भारी वाला पार्ट होता है ना, भारी वाला पार्ट जो धुएं का वो नीचे जम जाता है, तो वो फैक्ट्री से लोग निकलवा के इधर उधर डलवा देते हैं, वही उड़ उड़ के जाया करता है, और वो अगर आँख में चला गया ना, आँख में अगर वो चला गया भाई को निकलना तो मतलब नामुमकिन है बिल्कुल। पेड़ पौधे धुल जाएंगे, हरी हरी सी पत्तियां दिखेगी, बहुत अच्छा लगेगा, सब सीजन भी आ ही रहा है बारिश का, पापा वापस आ रहे हैं। चीज़ देखो ये कितना मस्त सा बारिश हुई है, ओके सो ये बारिश हुई है ऐसी भयानक वाली, और मेरे घर में ये देखो ये तरोई के पेड़ लगे हुए, इनमें भी मस्त मस्त सी बारिश की बूंदे वगैरह, इधर पे धनिया लगी हुई है, टमाटर का पेड़ है वो तुलसी है, और ये है सुदर्शन का पेड़, ठीक। तो इसको बहुत दिनों से पानी नहीं मिला था, हल्का फुल्का सूख रहा था, मैंने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन बारिश के पानी की बात अलग होती है। उसके लिए मेन चीज़ मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि मैंने ना अभी कपड़े धुले थे, ये मेरी जीन्स में निकला 50 का नोट, और वो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया था, और हुई बारिश तो दिखाते हैं एक सेकेंड, तो ये देखो भाई साहब पूरा नोट गीला हो गया, इस पे इधर कूड़ा भी चिपक गया है, थोड़ा गीला है थोड़ा सूखा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी जीन्स में पड़ा हुआ था, मैंने चलो निकालते देखा तो यार ये ऐसा है, इसके हालात कुछ ऐसे हैं, पीछे का देख रहे कितना मस्त ब्लर कर दे रहा है कैमरा क्वालिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ न्यू सेल फोन बिकॉज आई एम हैप्पी विथ माई नोट 5 प्रो, नाइस फोकस। मौसम लेकिन अच्छा हो गया, बहुत गर्मी थी यार इस टाइम पे ना, इतनी गर्मी हो रही थी इधर पे, सब एकदम मस्त हो गया, भयानक वाली बारिश हो गई, भर गया पानी, अब मेरे को इधर देना है चारा वारा, तो अभी निकाले सबको बाहर बांधेंगे, और आसमान देखो बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, बिल्कुल काला, और बस बारिश ही बारिश हो रही। अभी मैं देख रहा था नोमैड शोम की वो थाईलैंड वाली वीडियो, मैं देख चुका हूँ लेकिन दो दो तीन तीन बार मैं घुमा के देखा करता हूँ, बिकॉज यार मतलब वैसे ही नोमैड की तरीके ट्रैवल करना, गोबी डेजर्ट वाली मैंने देखी नोमैडिक इंडियन की, और नोमैड शोम की अभी देखी,
थाईलैंड चाइना लाओस वगैरह से होते हुए, मतलब जो उसने म्यांमार थाईलैंड फिर लाओस, हाँ उसके बाद फिर जो चाइना वाली उसने ट्रिप करी थी, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद फिर थाईलैंड देन चाइना, तो वो उसने मतलब बंदे ने 6 दिन में उसने ट्रैवलिंग नहीं करी, उसने सिर्फ और सिर्फ हिचहाइकिंग करके, उसका मेन मकसद उस टाइम पर यह था कि उसको बस चाइना पहुंचना है 6 दिन में, और बंदे का खर्च पता है कितना हुआ, 1600 रुपये, मतलब इंडिया टू चाइना बाई लैंड इन ओनली 1600 रुपीज हिचहाइकिंग करके, और ये पॉसिबल है, पता नहीं दुनिया को क्या लगता है यार। मैंने एक दिन जब अभी कमेंट आपको दिखाया था अपने पिछले एक दो वीडियो में, लिंक मैं इधर ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा उसका, उस वीडियो में मेरे से बंदे ने बोला कि यार 1 लाख रुपए में क्या होगा, 1 लाख की तो टिकट ही हो जाएगी अभी, मतलब देख रहे हो 1600 में बंदा यहाँ से चाइना पहुंच जाता है। लेकिन ट्रैवलिंग कर रहे हो थोड़ा एक्सप्लोर करो, मतलब एक कंट्री का बजट अगर तुम लेकर चलोगे 5000 का, वो भी म्यांमार जैसी चीप कंट्री में जहाँ काफी चीजें सब कुछ चीपेस्ट ही होता है समझो, एकदम सस्ते रेट में मिल जाता तुमको, तो ऐसी कंट्रीज में से तुम 5000 का अगर बजट लेकर चलोगे और 10 दिन का, तो सही है, आराम से तुम 5000 में 10 दिन घूम लोगे, 10 दिन म्यांमार कर लो, हिचहाइकिंग से आप ट्रैवल करो, रुकने का आप अपना खुद का टेंट खरीद लो और स्लीपिंग बैग ले लो, रुक जाओ मस्त, हॉस्टल भी मिलेंगे तो हॉस्टल भी, अरे वहाँ की करेंसी बहुत ही गिरी हुई है यार, यहाँ के 400-500 रुपये मतलब 700 रुपये के आसपास, वहाँ के 35000, तो मतलब काफ़ी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सस्ती कंट्री है। तो लोगों को जैसे लगता है ना, मतलब भ्रम है कि हाँ ये है वो है, इतना महंगा कुछ होता नहीं है, सब आराम से मस्त हो जाता है, तो बस उसके लिए ना जिगर चाहिए और बस घर से निकलने की हिम्मत चाहिए, तो थोड़ा बहुत कमा लो उसके बाद निकल जाओ, उसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्त के खुशियों ने दी थी मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह की ये सजा, हाँ उसकी यादें तो है यहाँ ना रास्ता। वैसे आप लोग मैं भी कभी कभी ये सोचते होगे कि मैं हमेशा ये वाली टी शर्ट क्यों डाल के रखता हूँ, तो दिस मेक्स मी फील मच कम्फर्टेबल देन अदर टी शर्ट्स, तो मैं इसको मतलब मोस्टली मैं यही वाली टी शर्ट पहनता हूँ इसको, बट तो अभी ये है कि अभी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो अब इसको रिटायर तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार आराम इसको भी देना चाहिए, इसके फैब्रिक को रिसाइकिल करना। मौसम तो मतलब वेदर क्या गजब का ही हो रहा है, मैंने अपने सारे कपड़े आज धुल दिए, तो जीन्स और ये टी शर्ट डाल के इधर उधर घूम रहा हूँ, उसके ना घर पे यार ये जीन्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, पता नहीं मतलब अजीब सा लगता है यार जीन्स में, और जैसे लोअर पहनो तो यार वो फ्री स्टाइल होता है, मस्त लगता है, हाँ लोअर पहन के मस्त घूमो कहीं भी। अभी मैं जा रहा हूँ इधर ही देखता हूँ, एक दो अपने मित्रगण मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, मौसम तो बहुत ही गजब है आज का मौसम, और बारिश वारिश हुई बहुत बहुत तेज़ से बारिश हुई थी, लेकिन पानी कहीं पे भरा नहीं थी क्योंकि ज़मीन प्यासी थी और पूरा सोख गई, इसकी सींगे किसी ने तोड़ दी हैं मे बी, या फिर हो सकता है इसी ने तोड़ दी, देख रहे हो कि सर रगड़ रगड़ के मिट्टी रगड़ा मारी है इसने बहुत तगड़े से, इसकी सींगे ऐसे ही टूट गई होंगी, बहुत दर्द होता होगा भाई, सींग भी तो हड्डी है ना, इस वजह से दर्द तो होता ही होगा। इतना प्लीजेंट वेदर है, मैं मतलब मेरे दादाजी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, और लेकिन टाइम तो हर किसी को देना चाहिए, फैमिली में हर किसी को, अभी मेरे दादाजी बैठे हुए तो मैं भी जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूंगा बस, थोड़ा बहुत बातें होती हैं, दादाजी हैं क्या बातें करेंगे हम भी उनसे, लेकिन उनके पास बैठो बात करो तो उनको भी अच्छा लगता है, तुम जरूर चले आना, ये आके सबको परेशान करता है सबको, सनसेट कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन यार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आ जाओ भैया आ जाओ, तो नहीं रास्ता दे दो भाई, वो पीछे ही सनसेट दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ उसको, ट्राइपॉड नहीं तो रिकॉर्ड करता, बहुत अच्छा सनसेट है, मतलब इतना अच्छा क्योंकि बादल एकदम साफ है और बादलों के बीच से होके सन निकल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, एक टाइमलेस मैंने रिकॉर्ड किया था, शायद आप लोग ने देखा हो, लाइट आ गई, देखता हूँ मेरे घर में लाइट आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये आंधी वाधी की बात ना हर किसी को देखना पड़ता है यार, मीटर में तो अपने जल रही है, हाँ फ्यूज से गड़बड़ होगा, यस फ्यूज में गड़बड़ है, हमको ऐसा अपने किचन के टॉल पे खड़े होके ये यहाँ से ही निकल गया, मेरे को पता था ये गड़बड़, ये आ गई लाइट, चली गई आ गई, ये देखो चलो।
लो ये इसको लगा देते कायदे से। और अब लाइट आ गई आ गई आ गई आ गई, जगह पर रख देते तुमको। यस, इसमें मेरा फोन आया था, देखते हैं कहाँ पे। प्रशांत कुशवाहा। तो बस भाई साहब उसके बाद डाइट हो गई अभी सुबह, मतलब शाम को मैंने चाय वगैरह बनी फिर सो गए। अभी उठ रहे हैं सुबह 6 बजे कुछ 18 मिनट के आसपास रहा होगा, उठा तो देखा हाँ आसमान में वैसे बादल हैं कल की तरीके ही। और द फैमिली मैन season 2 का episode number 1 में देख ही रहा था, लेकिन लगा यार अभी तो वीडियो एडिट करना है, तो मैं बस इसका लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट करूंगा देन अपलोड। सो बस हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड गुड बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद, वंदे मातरम।